बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, जो कि रविदास जयंती के मौके पर मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। आज सुबह की ये तस्वीरें जब दोनों भाई बहन काशी के रविदास मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं, यहाँ पर पिछले साल भी यहाँ पर, और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लंगर हॉल की तरफ, जहां पर लंगर चखेंगे गुरुओं के। तो आज रविदास जयंती को लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम, उसमें शुमार हो गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी। जिस तरीके से वाराणसी में आज सुबह दोनों भाई बहन पहुंचे, रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की, मत्था टेकने के बाद दर्शन करने, उसको भी दरअसल अब राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सामने लंगर हॉल में लंगर रखा जाएगा, दोनों लंगर की भी व्यवस्था यहां पर की गई थी। इर्द गिर्द जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थक, साथ ही कांग्रेस के कई नेता इस पूजा अर्चना के दौरान वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां पर रविदास मंदिर के दर्शन किए और अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इस समय जो है वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है यहां वाराणसी पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो यहां पर आए थे सुबह जो है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर आए थे। आपको मैं यहां पर दृश्य दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से जो है रविदास मंदिर जो कि वाराणसी में है, वहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी पहुंची हैं। सिर पर जो है वो पटका बांधा गया है दोनों के, और उसके बाद जो है यहां पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि सुबह जो है सबसे पहले यहां पे चरणजीत सिंह चन्नी आए, फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो यहां पहुंचे, और अब यहां पर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इससे पहले भी जो है प्रियंका गांधी यहां पर पिछले साल आई थी और राहुल गांधी भी यहां पर बहुत बारी आ चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ जो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोकल कुछ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। ये जो स्थान है ये जन्म स्थली है संत रविदास जी की, और आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ में जो है वो प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इस मंदिर में पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दृश्य कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल भी आई थी यहाँ पर। और यहाँ के हम आपको जो है रविदास मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पर पिछले साल भी यहाँ पर पहुंची थी रविदास मंदिर के अंदर, और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जो है वो दिल्ली जाएंगे, और जबकि प्रियंका गांधी जो है वो आगे उत्तर प्रदेश में जो उनके दौरे लगे हुए हैं वहां पर जो है जाके प्रचार प्रसार करेंगी। कानपुर जो इलाका है वहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगी। यहाँ पीछे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद है। रविदास जयंती के चलते ही पंजाब में जो चुनाव थे उनको 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को किया गया था, क्योंकि सभी पार्टियों का कहना था कि लोग आके वोट नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में सुबह से ही लोग जो है वो आना शुरू हो गए थे। पिछले दो दिनों से जो है भारी तादाद में ना सिर्फ देश से बल्कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पे आए, उन्होंने माथा टेका, और यहाँ पर सुबह जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। और इस समय आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ इस समय मंदिर के अंदर मौजूद है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुप्रभा भारद्वाज, आज तक वाराणसी।